एक बहुत ही बड़ा डॉग जो माना जाता है अपने ओनर को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए और जो हमेशा उत्सुक रहता है अपने ओनर को खुश करने के लिए, एक बहुत ही जेंटल कंपेनियन है मैस्टिफ डॉग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गाइड टू इंडियन डॉग ब्रीड्स में। और आज हम बात करेंगे इसी डॉग के बारे में। ये है इंग्लिश मैस्टिफ, या सिंपल कहें तो मैस्टिफ डॉग। इसका ओरिजिन हुआ था इंग्लैंड में। और इसकी साइज़ की बात करें तो इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है। आप यकीन मानिए, इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, करीब 30 इंचज़ तक इसका हाइट होती है, वो भी सिर्फ शोल्डर्स तक। फेस की इसकी बात करें तो इसका फेस बहुत ही बड़ा होता है, मस्कुलर फेस और मस्कुलर बॉडी होती है इसकी। फेस इसका रिंकल्ड होता है और जो लिप्स होते हैं इसके वो लूज़ होते हैं। आइज़ को अगर इसके देखा जाए तो बहुत ही सम्मान से भरी हुई इसकी आँखें होती हैं। इसके टेम्परामेंट की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश मैस्टिफ डॉग बहुत ही बड़े साइज के होते हैं और अपने ओनर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं ये। इनकी आइज़ हमेशा स्टेडी रहती हैं और ऐसा लगता है कि हमेशा सतर्क रहते हैं ये। तो अगर आप इन्हें कभी भी नए फैमिली मेम्बर से, किसी आउटसाइडर से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो उस पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने ओनर पे बिल्कुल भी संकट आते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वैसे भी अगर इन्हें कोई नया बंदा देखे तो एक नज़र में डर ही जाए एकदम से देखे, क्योंकि इनका साइज़ इतना बड़ा होता है, मैसिव होता है। अराउंड 150 kgs तक ये जा सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, हाइस्ट जो इनका साइज रहा था किसी डॉग का या इंग्लिश मैस्टिफ का, वो 150 kgs रहा था। जैसा कि इनका साइज बहुत बड़ा होता है तो आपको इनको प्रॉपर ट्रेनिंग की, प्रॉपर एक्सरसाइज की और घुमाने फिराने की, खिलाने की बहुत ज़रूरत है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और जितना बड़ा इनका साइज इतना ही बड़ा इनका दिल भी होता है। आप इनको, इनके साइज़ की वजह से इन्हें बाहर अलग से नहीं बांध सकते हैं। इनको आप फैमिली डॉग हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यार की इन्हें ज़रूरत होती है, तो इन्हें आप अपने साथ रख सकते हैं, अपनी फैमिली में रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लविंग डॉग होता है ये। जितना बड़ा इनका साइज है उतना ही ज़्यादा इनको खाने की भी ज़रूरत होती है, तो ये बात को भी संज्ञान में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं इनके ग्रूमिंग और केयर की। तो इनका कोट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा कोट होता है, बट डबल होता है, इसलिए इस पर ज़्यादा कोई आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक महीने में आप 2 बार भी कर दें तो इनके लिए काफ़ी से बहुत ज़्यादा है वो। इनके जो मेन कलर्स होते हैं वो होते हैं एप्रिकॉट, ब्रिंडल और फॉन कलर। और मुंह पे एक ब्लैक जो पैच देख रहे हैं आप, वो बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग की बात करें तो ये इनका साइज जितना बड़ा होता है उसी हिसाब से इन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत पपीहुड से ही पड़ जाती है, नहीं तो आपको इनको मैनेज करना बहुत टफ पड़ जाएगा बाद में। और अच्छी बात यह है कि इन्हें बहुत आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। इनके हिस्ट्री की बात करें तो ये काफ़ी एंशियंट डॉग हैं, जिनका अगर हम इतिहास बात करें तो बहुत ही पुराने एंशियंट टाइम से मिलता आ रहा है, करीब बिफोर क्राइस्ट एरा से इनका इतिहास मिलता हुआ आ रहा है। और अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो इनको अगर एक प्रॉपर मोलोसल ब्रीड में डेवलप किया गया तो वो 19th सेंचुरी में किया गया, तब ये 1885 में इनको AKC ने रिकग्नाइज किया। अब हम बात करते हैं इनके कुछ टेम्परामेंट कैसा होता है। तो प्रोटेक्टिव अलर्ट रहते हैं ये, और लेकिन बहुत शांत कुत्ते हैं। फिजिकल ट्रेट्स की बात करें तो बहुत मस्कुलर डॉग है, स्टर्डी है और बहुत ज़्यादा हैवी डॉग है। ग्रूमिंग की बात करें तो कभी कभी आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है और इनको एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत भी आपको टाइम टाइम पे पड़ती है, यानी कि पर डे आपको इन्हें एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। बहुत बड़ा डॉग होता है, आप देख सकते हैं, ये तो एक छोटा सा पपी है उसका, वो दूसरा वाला आप देख रहे हैं कितना बड़ा साइज इनका हो सकता है। मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और हमारे पास कुछ मैस्टिफ डॉग्स अवेलेबल भी हैं सेल के लिए, जो आप, ये वीडियो का लिंक मैंने आगे से डाला हुआ है, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। इसमें उन अवेलेबल पपीज़ के फ़ोटोज़, वीडियोस और कॉन्टैक्ट इन्फो सब मैंने डाला हुआ है कि आपको कहाँ से, कितने में, कैसे मिल जाएंगे, सारी डिटेल उसमें दी हुई हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस लिंक को खोल के ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो लिंक को।